अब यू देखो अब क्या दाढ़ी वाला चचा का थैला मिला, बहुत खिलखिला रहे थे, बढ़िया फोटो खिंचा रहे थे। हैरान मत होइए मामा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले का। अब योगी सरकार के भैया एक साल पूरे हो गए, ताली बजा दो। जैसा आप बता दें कि यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर बाराबंकी जिले के कलेक्ट्रेट स्थल डीआरडीए सभागार में बाराबंकी के लोकप्रिय सांसद उपेंद्र बहुत बढ़िया अपना वार्ता कर रहे थे और जन जन का किस प्रकार से विकास किया, कैसे सबका साथ कैसे सबका विकास किया, इस सब के बारे में चर्चा कर रहे थे और मीडिया से वार्ता कर रहे थे। हमने कहा था नहीं आपको दिखा दें। और इसके साथ ही देखो भैया एसपी साहब भी दिख रहे थे, मुख्य विकास अधिकारी मैडम भी दिख रही थी और भाजपा के जिला अध्यक्ष दिख रहे थे, बड़े बड़े नेता भी दिख रहे थे, एमएलसी साहब भी थे, विधायकों थे और देखो नवीन भी खिलखिला रहे थे। हमने कहा दिखा दें आपको, पर फिलहाल दूसरी खबर देख लेते हैं। अब यो देखा भैया ठलिया वाले पर दरोगा साहब कंटापे कंटाप चला रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और लिखा कि देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का सरेआम अत्याचार, सत्ताधारी कहते हैं इसे अमृतकाल, क्या यही उत्तर प्रदेश में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रमाण। यू देखो भैया खबरिया दिन दरोगा साहब अब रात का 2:30 बजे पहुंचे थे 1090 चौराहे पर अधिक्रमण और ठलिया हटाने के लिए, बस कंटापे कंटाप चलाने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया हंगामा मच गया, होना का था, यूपी पुलिस संज्ञान लेती है, लखनऊ पुलिस तक मामला पहुंच जाता है और लखनऊ पुलिस का कहना कि देखो इस पुलिसकर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रात को 2:30 बजे ठलिया हटाने के लिए भेजा गया था और देखो क्या करने लगा, कंटाप चलाने लगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। वीडियो वायरल होती है, हमने कहा दिखा था आपको कि देखो भैया छोटे छोटे गरीबों पर अत्याचार करते हैं, कंटापे कंटाप दरोगा साहब चलाते हैं। यू देखो भैया बहुत बड़े दरोगा बन रहे थे, 1090 चौराहे पर कंटापे कंटाप चला रहे थे और देखो इधर कुकुर भी टहल रहा था, हम ज्यादा बोलेंगे तो छाती पर आगल जाएगी, वीडियो वायरल थी, हमने कहा दिखा दें आपको। फिलहाल तीसरी खबर देख लेते हैं। अब यू देखो भैया किसान नेता सुब्रेन हमको मिल गया, हरी टोपी हरा अंगूछा और हरी सदरी डाल करके किसान नेता सुब्रेन बढ़िया राधेलाल यादव के साथ बैठे हुए थे और राधे गुट की मासिक बैठक चल रही थी। अब इसमें भैया कई सारे पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया, संगठन का विस्तार भी हुआ है और मासिक बैठक में 21 सूत्री मांगों को लेकर के अधिकारी साहब को ज्ञापन भी दिया गया। कई महिलाएं भी थी, विभिन्न प्रकार की समस्या भी है, सब जन समस्या है और कह रहे कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी या जिला प्रशासन ध्यान नहीं देगा हमारी मांगों पर तो हम आंदोलन करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। सुनो क्या बोले हैं, 21 सूत्रीय मांग पत्र, ये इससे पहले भी मांग पत्र जो भी है संबंधित अधिकारियों को दिए जाते हैं, मगर ये जो प्रशासन है ये अनसुनी करता है, इसको ज्यादा दिन तक हमारा किसान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जनहित की समस्याएं हैं जो हमारे, जैसे कि बिजली है, पानी है, खाद है, गैस है, जिला अस्पताल में जो मतलब जो नई दलाली चल रही है, हर तरीके की पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस की दबंगई है, हर प्रकार की राजस्व विभाग में देखिए बिना पुलिस या राजस्व विभाग बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। इन मुद्दों पर आपकी बार अनसुनी की गई जिला प्रशासन द्वारा तो आपकी बार धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब करना दफ्तर बैठे किसान नेता सुब्रेन की बात आपने सुनी, करेजा तो सुब्रेन जैसा सरकार के प्रशासन की पोल खोले दे रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब देखते भैया इनकी समस्या का समाधान होता कि नहीं होता। 21 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दे दिया, किसान नेताओं को जमवाड़ा लगा था, महिलाएं भी दिख रही थी, हमने कहा दिखा दे आपको, राहुल ने वीडियो बनाकर भेजी थी। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश के लिए एबीसी रिपोर्ट की बात, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शंभा साजी को समझ के दबा दो, पहले क्या भी कर रहा है कमेंट जो कीजिएगा।